जरूरत है, कितना करना सफिशियंट होगा, यहां से सिलेक्शन हो जाएगा 100%। कितना करना सफिशियंट होगा हमें बता दो सर, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती, कितना करना सफिशियंट होगा। ये गलत सवाल है, ये कभी सवाल ही नहीं है कि कितना करना सफिशियंट होगा, सवाल ये है कि तुम कितना कर पा रहे हो, और उसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है। अब तुम मुझसे लेक्चर ही नहीं हो पा रहा साहब, तो सबसे पहले तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लेक्चर के नोट्स। सर लेकिन आप सवाल बहुत ज्यादा करा देते हो, तो तुम छोड़ सकते हो, जैसे मान लो कि मैं करा रहा हूं और तुम्हें लग रहा है कि ये सवाल बहुत इजी है, एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, तो मेन थ्योरी वाला पार्ट लिख लो और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल से वो लिख लो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आधे सवाल मिटा, नहीं, एक आध दो तीन सवाल तुम स्किप कर सकते हो, तुम्हें लगे कि ये कंसेप्ट रिपीट हो गया या क्वेश्चन रिपीट हो गए है ना, यह बहुत ईजी है, तो उसको तुम स्किप कर सकते हो, साथ में रख लो। बाकी तुम्हें जो क्लास नोट्स है तुम्हारे फोन में तो स्टोर है। उसके बाद डीपीपी में भी सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डीपीपी में भी सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डीपीपी में भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या जो क्लास वाले ही है ना। डीपीपी में कई बार मैं इतने ज्यादा क्लास सवाल करा देता हूँ कि डीपीपी में रिपीट होता है, या फिर तुम कोई किताब करोगे उसमें रिपीटेड मिलेगा। तो अगर तुम्हें सवाल ऐसे दिख रहे हैं जो क्लास का रिपीटेड है, या तुम्हें सवाल ऐसा दिख रहा है जो बहुत ईजी है, तुमने एक लाइन में कर लिया, उसको छोड़ सकते हो। दो तीन सवाल ऐसे डीपीपी में होते हैं, वो सवाल करो जिसमें तुम्हें सोचना पड़ा, वो सवाल करो जिसमें तुमसे गलती हो गई, वो सवाल करो जो तुमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ पाया, वो सवाल करो जो तुमसे नहीं हुआ था तुमने डाउट में पूछे क्लियर किया, वो सवाल करो, उसको नोट्स में अच्छे से लिखो, और सारे सब्जेक्ट में पहले ये काम करो। उसके बाद पीवाईक्यू जरूर कर लो, चैप्टर जो कंप्लीट हो गया उसके पीवाईक्यू अलग से जरूर कर लो, उसमें 90% सवाल देखे हुए ही मिलेंगे, ठीक है। इतना तुम्हारा लेवल बने, ये कंप्लीट अगर अच्छे से हो जाता है, नहीं हो पा रहा तो करना ही पड़ेगा, और यहां से सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अगर किसी को लग रहा है सर इतना करने सिलेक्शन हो जाएगा क्या, हाँ 100%, 99.9% भी नहीं बोल रहा, यहां इतना मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें समय बचता है तो कंसेप्ट को और प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, लाइक पीडब्ल्यू मॉड्यूल, उसमें 80% क्वेश्चन यहीं से रिपीटेड करेंगे, बस ये होगा थोड़ा लैंग्वेज अलग हुआ तो प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी आपकी। लेकिन ये मस्ट नहीं है, मस्ट ये है, लेवल वन इज सेल्फ सफिशियंट, लेवल टू में कोई भी मॉड्यूल या प्रैक्टिस बुक ले लो या एनसीईआरटी ले लो, वो कर लो, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज वन कर लो, या तो एनसीईआरटी या पीडब्ल्यू मॉड्यूल या कोई भी नीट बेस्ड प्रैक्टिस बुक, ये लेवल टू है, इतना कर लो। सर इतना भी कर लिया हमने तो मैंने एक चीज बताई थी कि ऑब्जेक्टिव एससीबी का ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू की प्रैक्टिस है ना, वो कर लो। लेकिन ये सब मस्ट नहीं है, अगर आपके पास समय बच जाता है तो करिए, सिलेक्शन इसी से आपका हो जाएगा 110%, 110%, ठीक है बेटा, चलिए।